Clash of Clans. Play now. इंसानों को धैर्य रखना चाहिए. अभी आप अपने एकदम ठीक सामने देखिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है? अब हम क्या करें? अब आप मेरे साथ साथ दोहराइए. क्या? हे भगवान, हमसे जो भी पाप हुए हैं, हे भगवान हमसे जो पाप हुए हैं, उन्हें माफ करना, उन्हें माफ कर दो. हेलो क्लैशर्स, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग बहुत ही शानदार होंगे. सो क्लैशर्स, क्लैश ऑफ क्लैन में एक इवेंट आता है हॉग हीवन के नाम से, जिसमें हॉग राइडर्स और हीलिंग स्पेल पे एक बहुत बड़ा डिस्काउंट देखने को मिलता है. तो आप लोग इस इवेंट का सबसे ज़्यादा फ़ायदा कब उठा सकते हो? ऑफकोर्स यार, जब आप लोग इन ट्रूप्स को सबसे ज़्यादा यूज़ करोगे. तो मैं गाइज आज के इस वीडियो में आप लोगों को टाउन हॉल 11, टाउन हॉल 12 और टाउन हॉल 8 से रिलेटेड कुछ फेमस अटैक स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसमें हॉग राइडर्स का इस्तेमाल होता है. तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं ना यार, बिना कोई समय गवाए हुए. सो क्लैशर्स, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग टाउन हॉल 12 के अटैक स्ट्रेटजी देखते हैं. जैसे कि आप लोग का आर्मी सीक्वेंस यहाँ पे दिख रहा है, हम लोग हॉग राइडर्स के साथ क्वीन चार्ज की अटैक स्ट्रेटजी परफॉर्म करेंगे. सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बेसिस की सर्च करें तो एक बहुत ही शानदार बेस मिला जिसमें लूट भी काफ़ी अच्छा मिला है. इन अटैक स्ट्रेटजी को यूज़ करके आप लोग फार्मिंग के साथ साथ थोड़ा मोटा ट्रॉफी पुशिंग भी कर सकते हो, इवन चैंपियन तक तो बहुत आराम से पहुंच सकते हो. अब गाइस इस अटैक स्ट्रेटजी में गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आर्मी सीक्वेंस में आप लोगों को वॉल ब्रेकर्स के साथ 5 हीलर्स के साथ 30 हॉग राइडर्स की रिक्वायरमेंट होगी और एक आप लोग हेड हंटर्स ज़रूर रखिएगा. बहुत ही फायदा होता है हेड हंटर्स का. अब चलिए मैं इस अटैक स्ट्रेटजी को परफॉर्म करता हूँ. इस बेसिस पे ऑलमोस्ट 10 लाख के ऊपर की लूट है, बहुत ही शानदार है यार. तो सबसे पहले हम लोग हेवी डिस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग को टेक डाउन करेंगे जो हॉक को सबसे ज़्यादा डैमेज करता है. एग्जांपल के तौर पे ईगल R3 हो गया, बॉम्ब टावर हो गया, टाउन हॉल हो गया, या फिर इन्फिनो टावर या फिर विजर्ड टावर. ऐसे डायरेक्शन से आप लोगों को एंट्री करना है कि सबसे ज़्यादा इन हेवी डिस्ट्रक्शन वाले बिल्डिंग्स को आप लोग टेक डाउन कर लीजिए. तो सबसे पहले हम लोग ऊपर से एंट्री किए हैं और आसपास के बिल्डिंग्स को मैं इजी क्लियर अप करूंगा. अब यहाँ पे जो हम लोग का हेड हंटर्स है, इसे हम लोग रिलीज़ करेंगे किंग पे. जैसे ही किंग अपनी क्वीन को टारगेट लेगा, तैसे ही हम लोग अपना हेड हंटर्स को रिलीज़ कर देंगे ताकि किंग का जो अटैकिंग एबिलिटी है वो लगभग ना के बराबर हो जाए और अपनी क्वीन आराम से बच जाए. यहाँ पे सबसे बड़ी बात टाइम मैनेजमेंट भी होता है गाइज. टाइम बहुत बार फेल देखने को मिलता है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग टाइम मैनेजमेंट को भी देखेंगे और जल्दी से पहले आसपास के बिल्डिंग को क्लियर करवाते हैं. तो यहाँ पे हेड हंटर्स आया और देखिए कितना शानदार ढंग से 51 लेवल का क्वीन आराम से टेक डाउन हो चुका है. अब यहाँ पे हम लोग किनारे किनारे से फंडलिंग करके एक अच्छा सा सभी बिल्डिंग्स को किसी ना किसी हम लोग अपने जो ज़्यादा HP वाले बिल्डिंग्स है या फिर सीज वेपन है उनमें अटैकिंग के लिए लगवा देते हैं और उसके बाद सारे अपने हॉग राइडर्स को रिलीज़ कर देंगे. ओके, ऊपर से मैंने किंग भी डाल दिया है कि सारे किंग पे ही अटैक करें और अब नीचे से मैं अपने सारे हॉग राइडर्स को रिलीज़ कर देता हूँ. एक डायरेक्शन से ही करेंगे, इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे ताकि सारे हॉग राइडर्स एक डायरेक्शन में ही जाएं और एक हीलिंग स्पेल से सारे हॉग राइडर्स भी हील हो जाएं जब भी ज़रूरत पड़ेगा. तो ऊपर से किंग भी बहुत ही अच्छा फनल क्रिएट कर दिया है. अब यहाँ पे क्वीन भी है, बेसिस में क्वीन को सबसे पहले टेक डाउन करना रहता है. हम लोग पॉइजन स्पेल का इस्तेमाल करेंगे क्वीन पे क्योंकि क्वीन बहुत ही सेंटर में थी. अब एक हीलिंग स्पेल आएगा, वार्डन की एबिलिटी आएगी. बी श्योर कि आप लोग वार्डन की एबिलिटी हमेशा टाउन हॉल के डिस्ट्रॉय करने पे ही यूज़ करना गाइस, ज़्यादा आप लोग को बेटर आउटकम मिलेगा. या फिर स्टार्टिंग में यहाँ पे हॉक के हेल्थ अगर कम हो गए तो उस समय भी आप लोग यूज़ कर सकते हो. और इसी के साथ साथ हॉग राइडर्स बहुत ही तबाही मचा चुके हैं बेसिस में. आसपास के बिल्डिंग को इजी टेक डाउन कर दिया गया है. हम लोग अपनी क्वीन वॉक को ज़िंदा रखने में कामयाब रहे हैं, दैट्स वाई ये बेसिस भी अब लग रहा है बहुत ही इजी टेक डाउन हो जाएगा विदाउट कोई समय एक्स्ट्रा स्पेंड किए हुए. तो लगभग यहाँ पे सारे बेसिस क्लियर हो चुके हैं, कुछ कुछ ही लेफ्ट ऑफेंसिव बिल्डिंग ही बचे हैं. सो ये वन ऑफ द बेस्ट अटैक स्ट्रेटजी में से एक है जो कि टाउन हॉल 12, टाउन हॉल 13 और टाउन हॉल 11 के प्लेयर्स इस आर्मी को यूज़ कर सकते हैं. चलते हैं अब यहाँ पे दूसरी टाउन हॉल्स की ओर जो कि टाउन हॉल 11 की अटैक स्ट्रेटजी हम लोग परफॉर्म करेंगे. ओके, यहाँ पे आर्मी सीक्वेंस की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को हाइब्रिड कॉम्बिनेशन यूज़ करना है. हाइब्रिड कॉम्बिनेशन 15 हॉग राइडर्स 15 माइनस की आर्मी कॉम्बिनेशन होती है. अगर टाउन हॉल 11 हो तो 14 आप लोग हॉग राइडर्स और 13 माइनस के साथ एक आप लोग इलेक्ट्रो ले लो फंडलिंग के लिए, बेस्ट होगा यार. यहाँ पे हम लोग चलिए अटैक परफॉर्मेंस करते हैं.
बेसिस मिल चुका है, 100% मैक्स है, कोई शक वाली बात नहीं यहाँ पे दिख रही है। सो ऐसे बेसिस में यहाँ पे हॉगमैंडर्स को परफॉर्म करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले दो चीज़ों का बातें ध्यान रखना है टाउन 11 में। सबसे पहले कि आप लोगों को ईगल आर्थरी को टेक डाउन करना है। ईगल आर्थरी को टेक डाउन करने के बाद अगर नहीं कर पाते ईगल आर्थरी को टेक डाउन, तो आप बी श्योर कि एक इन्फिनो को तो ज़रूर टेक डाउन कर लीजिए। और अटैक स्ट्रेटजी आप लोग ईगल आर्थरी के तरफ से ही परफॉर्म कीजिए। अगर क्वीन टेक डाउन हो जाती है, ईगल आर्थरी टेक डाउन हो जाता है, तो आधा मुसीबत इस अटैक स्ट्रेटजी का ख़त्म सा हो जाता है और ईजी आपका 3 स्टार आ जाता है। वेल चलिए, ओवर कॉन्फिडेंस होना भी सही नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग अटैक परफॉर्म करते हैं, क्वीन को हम लोग ऊपर से ही रिलीज़ किए हैं। मेरी ऐसी कुछ प्लानिंग है गाइज कि यहाँ पे आर्चर क्वीन को हम लोग टेक डाउन कर लेंगे और ईगल आर्थरी को क्वीन चार्ज से ही टेक डाउन कर लेंगे, तो आधा चीज़ हम लोग का मतलब जो आधा टेंशन होता है इस अटैक स्ट्रेटजी में वो तो खत्म हो जाएगा। सो क्वीन को यहाँ पे बचा के रखना जरूरी है गाइज, और उसके लिए आप लोग को रेस स्पेल का सही जगह पे इस्तेमाल करना होगा। जैसे ही हाफ से ज़्यादा हेल्थ डिक्रीज़ होने लगती है क्वीन की, आप लोग यूज़ कर लो यार, बेटर होगा यहाँ पे। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे किनारे किनारे के जितने भी बिल्डिंग्स हैं उन्हें हम लोग टेक डाउन करने की कोशिश करते हैं। और 20% तक का ह्यूज डिस्ट्रक्शन यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल चुका है। जो हॉग राइडर्स हैं किनारे किनारे भी कूद फान करके आराम से बिल्डिंग को टेक डाउन कर चुके हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ऊपर से किंग को रिलीज़ करेंगे और किनारे किनारे अब हॉग राइडर्स और माइनस को रिलीज़ कर देंगे। सो यहाँ पे अब अपने हॉग राइडर्स माइनस और उसके पीछे वार्डन को देंगे। वार्डन क्वीन के साथ नहीं देना है, ओनली हॉग राइडर्स और माइनस के साथ ही वार्डन को देना है। और यहाँ पे मल्टी सेटेड इन्फिनो तो थोड़ा इश्यू होगा, बट हम लोग इस इश्यू को कम करने के लिए हीलिंग स्पेल का इस्तेमाल करेंगे और पॉइजन स्केल्टन्स बहुत ही परेशान करेंगे। तो चलो पॉइजन डाल देते हैं। बेसिस में वैसे सीसी निकला नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है पॉइजन रखने का। एंड यहाँ पे वार्डन की एबिलिटी भी अब यूज़ करना है, हॉग राइडर्स को बचाना है बेसिकली। और देखते हैं यहाँ पे किस जगह हम लोग यूज़ करेंगे। हालांकि यहाँ पे अब ज़्यादा बेसिस में कुछ बचा नहीं है, क्वीन चार्ज जिंदा है तो आराम से इस जगह 3 स्टार आ जाएगा, ज़्यादा कोई इश्यू नहीं होगा इस जगह। सो यहाँ पे एक हम लोग हीलिंग स्पेल इस्तेमाल कर ही देते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है बचा करके। ऊपर कुछ बिल्डिंग्स लेफ्ट रह गए हैं तो हम लोग के पास जो कुछ आर्चर्स हैं 2-3 आर्चर्स क्लियरेंस के लिए हम लोग रखे रहते हैं, तो वो हम लोग कॉर्नर्स में रिलीज़ कर देते हैं। ओके, और कुछ माइनस बचे हैं। हॉग राइडर्स हम लोग के सारे शहीद हो गए हैं, हॉग राइडर्स सही दिख नहीं रहे हैं, लगता है शहीद हो गए हैं। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे क्वीन चार्ज अभी ज़िंदा है, काफ़ी सारे माइनस ज़िंदा है, इजी टेक डाउन कर लेंगे। क्वीन की एबिलिटी हम लोग पॉपअप करते हैं और क्वीन अब सही डायरेक्शन में जा रही है और ईजी यहाँ पे जो टेस्ला है उन्हें टेक डाउन कर लेंगी और डबल कैनन को। सो इस तरह से आप लोग इस अटैक स्ट्रेटजी को भी परफॉर्म करके आसानी से किसी भी मैक्स टाउन और लेवल पे 3 स्टार परफॉर्म कर सकते हो यार, बहुत ही अच्छी अटैक स्ट्रेटजी में से एक है। चलिए हम लोग चलते हैं टाउन हॉल 8 की अटैक स्ट्रेटजी अब एक बार हम लोग परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे टाउन हॉल 8 के अकाउंट में हम लोग आ चुके हैं और चलिए यहाँ पे आर्मी सीक्वेंस की हम लोग बातें करते हैं। आर्मी सीक्वेंस में सिंपल मास हॉग आप लोगों को परफॉर्म करना है, 30 हॉग राइडर्स के साथ कुछ यहाँ पे जाइंट और विज ले लीजिए। जाइंट और विज हम लोग क्यों ले रहे हैं, इस बेसिस पर सबसे पहले हम लोग अटैक परफॉर्मेंस करते हैं। ओके, तो जाइंट और विज का काम यह है कि जितने भी हेवी डिस्ट्रक्शन वाले बिल्डिंग है टाउन हॉल 8 के, जिसमें आ जाता है आपका विजर्ड टावर और मोटर्स ये, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बॉम्ब टावर, इन तीनों को टारगेट लेना है। तो सबसे पहले हम लोग जाइंट को रिलीज करेंगे विजर्ड टावर के सामने और उसके बाद हॉग राइडर्स को ड्रॉप करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग अटैक को परफॉर्म करते हैं। 3 जाइंट को हम लोग इधर देते हैं और 3 जाइंट को उधर, दोनों यहाँ पे विजर्ड टावर को हम लोग बिजी करते हैं और सारे हॉग राइडर्स पीछे से दे देंगे दोनों डायरेक्शन से, ताकि विजर्ड टावर टेक डाउन हो जाए। विजर्ड टावर हॉग राइडर्स को बहुत ज़्यादा गंदा डिस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है। ओह माय गॉड, पक्का निकल गया। चलो पॉइजन ड्रॉप कर देते हैं, वेल कोई फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है पॉइजन का, कोई फ़ायदा नहीं होगा उतना ज़्यादा खास। हम लोग हीलिंग स्पेल इस्तेमाल कर चुके हैं बहुत ही अर्लियर स्टेज में, हालांकि इतना अर्लियर स्टेज में यूज़ नहीं करना चाहिए हीलिंग स्पेल। सो यहाँ पे एक हम लोग पास ओनली रेस्ट स्पेल बचा है, तो रेस्ट स्पेल का इस्तेमाल हम लोग इस जगह करेंगे विजर्ड टावर के पास। विजर्ड टावर, ओके, एक बम से बहुत ही गंदा डिस्ट्रक्शन, विजर्ड टावर के पास यूज़ करते हैं ताकि हॉग राइडर्स को मिनिमम डिस्ट्रक्शन में हम लोग मैक्सिमम आउटकम ले सकें। और किंग भी अभी तक बचा हुआ है, क्या बात है, मुझे लगा कि मेरा किंग काम कर जाएगा। किंग को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, लेकिन हॉग राइडर्स थोड़ा सा रेड स्पेल से दूसरे डायरेक्शन में आके पिक्का को टेक डाउन कर रहे हैं, तो लगता है यहाँ पे थोड़ा सा मुसीबतें क्रिएट हो सकती है।
बहुत सारे हॉग राइडर्स हम लोग को डिस्ट्रॉय हो गए, पेक्का ने टेक डाउन कर लिया, बट कुछ हॉग राइडर्स बचे हैं। और जो आप लोग का विजर्ड है इधर, आप जिधर देख सकते हैं कि जहाँ पे हॉग राइडर्स नहीं पहुँचे हैं वहाँ पे आप विजर्ड को रिलीज़ करके आराम से जो टाइम हंट होने का सिचुएशन है उन्हें मिनिमाइज़ कर सकते हैं क्लैशेस। तो अभी 1:29 का टाइमिंग लेफ्ट है, कुछ हॉग राइडर्स 3-4 हॉग राइडर्स ऊपर से क्लियर कर रहे हैं और हम लोग नीचे से अपने विजर्ड से क्लियर कर रहे हैं। टाइम हंट होने का बहुत कम चांसेस है, अगर ऐसे आप लोग अटैक स्ट्रेटजी करते हो तो कम ही चांसेस है, और मुझे लगता है हम लोग यहाँ पे 3 कर लेंगे। तो गाइस लेट मी नो यार कि आप लोग हॉग राइडर्स के साथ इसके अलावा कौन कौन से आर्मी सिक्वेंस यूज़ करते हो, मैं आप लोग सभी के कमेंट्स देखना चाहूँगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो बी श्योर कि आप लोग चैनल पे अगर पहली बार हो तो लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना क्लैशर्स, आपके इन कार्यों से बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। सो गाइस अब हम लोग मिलते रहेंगे इसी तरह के न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, क्लैश ऑन क्लैशर्स।